नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर तीन कोणीय मुकाबले को लेकर सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है और दोस्तों विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजना शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी ने खुद से मोर्चा संभाला है 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव होते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर आखिरी चरण की वोटिंग बची हुई है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस बीच सोनिया गांधी ने खुद से जिम्मेदारी संभाली है और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से न्योता भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि गैर एनडीए दलों के साथ साथ बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और इसके साथ ही टीडीपी और टीआरएस के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर रखा, बावजूद इसके सरकार बनाने के लिए सोनिया गांधी फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही हैं और दोस्तों व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पार्टी के नेताओं को पत्र लिखा है ताकि आगे के लिए रोड मैप को तैयार किया जाए और रणनीति बनाई जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीआरएस के नेताओं को बैठक में बुलाने के पीछे की कहानी यह है कि मंगलवार को यूपीए की सहयोगी पार्टी डीएमके के नेता के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद केंद्र में सरकार बनाने को लेकर यूपीए का समर्थन किया जा सकता है। वहीं पर उड़ीसा के अंदर बीजेडी को लेकर भी सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कमलनाथ ने व्यक्तिगत रूप से उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से बात की है, उन्होंने बैठक के अंदर आमंत्रित भी किया है। बता दें कि फानी तूफान के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के कुछ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ की थी। यानी साफ तौर पर दोस्तों अब तमाम तरह की रणनीति बननी शुरू हो गई है। बता दें कि साल 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव में तीन सबसे बड़े दल थे, जिसमें बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी जिम्मेदारी खुद से संभाल रखी है और साफ तौर पर दोस्तों बिग बिग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी ने इससे पहले भी कई बार गठबंधन की सरकार चलाई है। सोनिया गांधी के बैठक बुलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है और दोस्तों अमित शाह ने भी कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुमत न मिलने को लेकर भी कई सारे बयान देने शुरू कर दिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी भी मान चली है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की बढ़ती सक्रियता साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रही है कि जो सबसे आगे निकलेगा वही सरकार बनाने के लिए दावा ठोक देगा और ऐसे में सोनिया गांधी की बढ़ती सक्रियता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी के प्रयास के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार बनाने में सक्षम होगी और लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से सरकार बनाने में कामयाब होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ एक और बिग बिग न्यूज अपडेट, जहां पर दोस्तों मजबूत नहीं मगरूर सरकार है मोदी सरकार। प्रियंका गांधी ने वाराणसी के अंदर एक बड़ा रोड शो किया है, जिसके दौरान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुंकार भरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार मजबूत नहीं है बल्कि मगरूर सरकार है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अहंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में साफ झलकता है, जिस तरह से ये बात करते हैं इससे चलता है पता कि केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार मजबूत नहीं है बल्कि पूरी तरह से मगरूर सरकार है। उन्होंने देवरिया के अंदर बदहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर भी चर्चा की है और साफ तौर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच में लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव हरवाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, वहीं पर दूसरी और दोस्तों 2022 की तैयारी के लिए प्रियंका गांधी ने तमाम तरह की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने लुधियाना में खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाया है। हम आपको बता दें कि किसानों के लिए तमाम तरह की स्कीम लाने का दावा करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसानों के बीच हमेशा रहेंगे और किसानों के लिए ही काम करेंगे, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि राहुल गांधी की किसानों के समर्थन वाली सोच कहीं ना कहीं इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, चाहे वो कर्ज माफी का वादा हो या फिर न्याय स्कीम के रास्ते भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाना। कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग सख्त होता हुआ नजर आया है। चुनाव आयोग ने 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार को रोक दिया गया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर बंगाल में एक दूसरे पर वार पलटवार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कर रही है। वहीं पर दोस्तों खामियाजा भुगतना पड़ा है सीपीएम को और कांग्रेस पार्टी को, जहां पर चुनाव
प्रचार एक दिन पहले समाप्त हो गया है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। एक अंग्रेजी अखबार ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ी गई है, एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है। साफ तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दोस्तों मंगलवार को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में जमकर हिंसा हुई है। रोड शो के दौरान कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में झड़प देखने को मिली है। इस हिंसा के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई है। विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर बंगाल की राजनीति बेहद ज्यादा गर्म हो गई है। कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने रोड पर हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर आई है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने रोड पर हिंसा की शुरुआत हुई, जिसके बाद विद्यासागर कॉलेज से लेकर दूसरे कैंपस तक इस झड़प को देखा गया। ये संस्थान बंगाल के समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर बना हुआ है। रोड शो के दौरान जगह जगह पुलिस और बीजेपी के समर्थकों में झड़प देखने को मिली है। इसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। रोड शो में पत्थरबाजी और आगजनी पर बीजेपी और पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच में तनातनी देखने को मिली है। बीजेपी के समर्थकों ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं पर दूसरी ओर दोस्तों, संदिग्ध बीजेपी के समर्थकों ने विद्यासागर कॉलेज में घुसकर मूर्तियों को तोड़ा है। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक संदिग्ध बीजेपी के समर्थकों ने विद्यासागर कॉलेज में घुसे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने विद्यासागर की मूर्ति तोड़ डाली है। उनका आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमला किया है। वहीं पर दूसरे कैंपस में भी जमकर हिंसा देखने को मिली है। कई मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल डे नामक एक स्टूडेंट ने बताया है कि तोड़फोड़ करने वाले एक शख्स ने जाते वक्त नारा लगाया कि विद्यासागर के दिन खत्म हो गए, हाउस द जो। दरअसल अमित शाह की योजना विवेकानंद हाउस तक रोड शो करने की थी। शाह और राहुल सिन्हा, दिलीप घोष और बाबुल सुप्रियो के साथ ट्रक पर सवार थे। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे थे, जिसके बाद ये बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर सनी देओल पर बड़ी कार्रवाई करता हुआ इलेक्शन कमीशन नजर आया है। जहां पर दोस्तों सनी देओल के सपोर्ट में चल रहे फेसबुक पेज को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। चुनाव आयोग ने बुधवार को गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सनी देओल के चुनाव खर्च पर 1.74 लाख रुपए जोड़ने का निर्देश दिया है। सनी देओल के समर्थन में चलाए जा रहे फेसबुक के पेज पर सवाल उठने लगे हैं। हम आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस ने शिकायत किया था, जिसको दर्ज किया गया है, और फेसबुक पेज के अंदर फैंस ऑफ सनी देओल नाम का एक पेज चल रहा था। आयोग की पूर्व अनुमति के बिना ही इसे चलाया जा रहा था, जिसके बाद आयोग ने आदेश जारी किया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने कहा कि कांग्रेस ने इस संबंध में 6 मई को चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। राजू ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति गुरदासपुर के नोडल अधिकारी की जांच की गई है। इसी के साथ फैंस ऑफ सनी देओल पेज चलाने वाले बीजेपी के उम्मीदवार को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन दोनों ने तय समय सीमा के अंदर जवाब नहीं दिया है। जिसके बाद दोस्तों ये बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि एक व्यक्ति देश चला सकता है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है। राहुल गांधी ने पंजाब के अंदर बड़गारी में एक रैली को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति अकेले देश चला सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि लोग देश सबके साथ मिलकर चलाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक समय मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब 5 साल पूरा होने के बाद अब देश उनका मजाक उड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में कुछ भी नहीं किया है, बल्कि जनता के रोजगार को ही खत्म कर दिया है। उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया है, जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे को एक बार फिर से सबके सामने रखते हुए उन्होंने वोट मांगा है। साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो ही बड़ी योजना बनाई है, जिसमें एक जीएसटी है, दूसरा नोटबंदी है, और दोनों में छोटे और मध्यम व्यापारियों को चोट पहुंचाया गया है, जबकि उद्योगपतियों को और कॉरपोरेट के बड़े बड़े खिलाड़ियों को इसका फायदा पहुंचाया गया है। नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से तीखा तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत यह बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव होते हुए पूरे देश के अंदर देखते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें कि सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर में हमने देखा कि किस तरह से सोनिया गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, और सोनिया गांधी ने सरकार बनाने को लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी है, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग दलों को न्योता भेजा है और एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार जारी है। ऐसे में गठबंधन सरकार को बनाने को लेकर सोनिया गांधी सबसे आगे नजर आ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर हमने आपको बताया, जहां पर कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी को बंगाल का विरोधी बता दिया है। और दोस्तों, बंगाल अस्मिता का कार्ड खेलती हुई पूरी तरह से खुले तौर पर नजर आ रही है ममता बनर्जी। अगर आप भी मानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा
बदलाव पूरे देश के चप्पे चप्पे में होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों ये सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई थी। जुड़े रहने के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।